नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। औरंगाबाद में बालू माफियाओं के हौसले इन दिनों काफी बुलंद है। आए दिन पुलिस पर हमला बालू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है और पुलिस हाथ मलती रह जा रही है। ट्रैक्टर तो जरूर पकड़ में आ रही है, मगर बालू माफिया नहीं पकड़े जा रहे हैं। अगर ईमानदारी से पुलिस कार्रवाई करती तो निश्चित ही कारोबारी पुलिस की गिरफ्त में होते। ऐसा ही एक मामला औरंगाबाद से आया है, जहां मंगलवार की देर रात बालू के अवैध कारोबार से जुड़े ट्रैक्टर बड़ेम थाना के गृह रक्षक को टक्कर मारते हुए भाग निकला। हादसे के बाद इलाज में गृह रक्षक की मौत हो गई। गृह रक्षक की पहचान रामराज महतो के रूप में हुई है। रामराज महतो मदनपुर थाने के चिलमी कोईरी बिघा गांव के रहने वाले थे। इस बारे में जब एसडीपीओ मोहम्मद अमानुल्लाह खान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल देर रात बड़े थाने के पुलिस अवर निरीक्षक राजेश कुमार को कंकेर रोड में एक स्वराज ट्रक पर लदा अवैध बालू लेकर जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका वो पीछा करने लगे तथा थाना अध्यक्ष बड़ेम को सूचना देकर सहायता के लिए एनटीपीसी की गश्ती गाड़ी को भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद थाना अध्यक्ष एनटीपीसी ने अपनी गश्ती गाड़ी को रात्रि में ही भेज दिया, जिसमें गश्ती पदाधिकारी अपने बल के साथ बड़ेम थाने के पदाधिकारी राजेश कुमार ने जिसमें गश्ती पदाधिकारी अपने बल के साथ बड़ेम थाने के पदाधिकारी राजेश कुमार के बताए अनुसार आगे के ट्रक को घेरने का प्रयास किया। इसी क्रम में एक बालू लदा स्वराज ट्रैक्टर को रुकवा रहे गृह रक्षक रामराज महतो को जानबूझकर धक्का मारते हुए निकल गया। गृह रक्षक रामराज महतो के साथ रहे पुलिस बल के द्वारा तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसडीपीओ ने बताया कि भागे हुए ट्रैक्टर एवं सम्मिलित व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए सोनदियारा क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। जल्द ही इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांके रोड में एक स्वराज ट्रैक्टर पर लदा अवैध बालू लेकर जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसका वो पीछा करने लगे। थाना अध्यक्ष बड़ेम को सूचना दिए कि सहायता हेतु एनटीपीसी की गश्ती पार्टी को भेजी जाए। थाना अध्यक्ष बड़ेम ओपी द्वारा एनटीपीसी थाना अध्यक्ष से गश्ती को भेजने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात थाना अध्यक्ष एनटीपीसी अपनी गश्ती पार्टी के पदाधिकारी हरिचरण राम एवं उसके साथ अपने बल के साथ राजेश कुमार के सहायता हेतु जाने का निर्देश दिया गया। एनटीपीसी की गश्ती पार्टी राजेश कुमार के बताए अनुसार माधे रोड में आगे से घेरने का प्रयास किया गया। उसी क्रम में अवैध बालू लदा स्वराज ट्रैक्टर को रुकवा रहे गृह रक्षक रामराज महतो को जानबूझकर जान मारने के नियत से ट्रैक्टर के द्वारा धक्का मारते हुए भाग निकला गया। गृह रक्षक रामराज महतो को साथ रहे पुलिस बल के द्वारा तत्काल एनटीपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की सूचना एनटीपीसी थाना के अध्यक्ष द्वारा बड़े पदाधिकारी को दिया गया। तत्काल मेरे द्वारा सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसपी महोदया के निर्देश के आलोक में भागे हुए ट्रैक्टर एवं सम्मिलित व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं सोनदियारा में छापेमारी हेतु मेरे नेतृत्व में दो टीम का गठन किया गया है एसआईटी का, जो लगातार कार्रवाई की इस पर कार्रवाई किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।